अजय कुमार सर, ये बताइए कि विचारधारा, चाल चरित्र, चेहरा, पार्टी विद द डिफरेंस, इस चुनाव में सबकी कलाई खुली क्या? और जो रतन शारदा के आर्टिकल की मैं बात कर रही हूं, बड़े विचारक आरएसएस के संघ ने इस बात को एक्नॉलेज किया क्या? मैं सिर्फ अभी बीजेपी के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछ रही हूं, कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से दूसरा सवाल पूछूंगी। बिल्कुल, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत है। सिर्फ इस चुनाव की क्यों बात कर रहे हैं? आपने तो कहा कि हम सिर्फ बीजेपी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम पार्टियों की बात करें, तमाम चुनावों की बात करें, इसके पहले के भी चुनाव में हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव में भी देखा कि अगर आप आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडियोलॉजी नाम की तो कोई चीज नहीं है। रातों रात पार्टी के नेता जो है पार्टियां बदल रहे हैं, उन्हें चुनावी टिकट मिल जाता है, चुनाव लड़ते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। लेकिन हाँ, इस चुनाव में जितनी तेजी से जितनी रफ्तार इस चीज ने पकड़ी, मुझे लगा पहले के चुनाव में देखने को नहीं मिला। 2019 के चुनाव में ऐसा रफ्तार देखने को नहीं मिला। बताइए अशोक चव्हाण इधर टूटे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। कर आए उधर राज्यसभा टिकट पा गए, नवीन जिंदल 2 घंटे बाद लोकसभा का टिकट मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ गरिमा जी, कि जितनी रफ्तार तेज पकड़ी इस चीज ने कि पार्टी बदलो टिकट पाओ जीतो हारो, तो इतनी रफ्तार हमने पहले कभी नहीं देखी। और मुझे लगता है कि जब कहते हैं ना कि रफ्तार, हर चीज की एक सीमा होती है। जब आप गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चलाते हैं, एक स्पीड लिमिट है ना, जब आप हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे चला रहे हैं और जब उस स्पीड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं और एक्सीडेंट होती है, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और बहुत घातक एक्सीडेंट होता है। मुझे लगता है वैसा ही कुछ होता हुआ बीजेपी के साथ इस बार चुनाव में दिखने को मिला। और आंकड़ा यही बता रहा है क्या संजय जी, कि 52 में से 37 हार गए? हाँ बिल्कुल, आपने आंकड़ों का जिक्र किया। जिस रफ्तार से बीजेपी ने ये काम किया, तमाम नेताओं को, दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पक्ष में ले लिया, जो भी आना चाहा उसको वेलकम किया, तुरंत टिकट ऑफर किया, चुनाव लड़ाया, और आपने देखा उसमें तमाम ढेर सारे लोग चुनाव हार गए। सिर्फ चुनाव ही नहीं हारे, आंकड़े ये भी बताते हैं कि बीजेपी की जो छवि है देश भर में मतदाताओं के नजरिए से, जो हम लोगों ने सर्वेक्षण किए, उसकी छवि बिगड़ी है। हार जीत तो अपने आप है, जीत भी जाते तो उससे बड़ा नुकसान हुआ है कि बीजेपी की छवि एक आम नागरिक के दिमाग में, एक नागरिक के मन में गिर आया है। लोग अब कहते हैं कि भाई बीजेपी भी वैसी ही है, अगर आप दूसरी पार्टियों को खराब मानते हैं तो बीजेपी भी उतनी ही खराब है। कोई तो ये जो नुकसान है, क्या इस नुकसान को जोड़कर संजय जी इस छवि से भी देखा जाए क्या? आप बिल्कुल, रिलेशनशिप तो वैसे ही देखते हैं, मैंने आपको छवि का जिक्र किया। अगर मान लीजिए ये आंकड़े जीतने वालों की ज्यादा होती, टर्न कोड जो पार्टी छोड़ के आए बीजेपी ज्वाइन किया, उन्होंने उसको टिकट दे दी और उसमें से ज्यादा जीत भी गए होते, तो भी मैं ये नहीं कहता कि इसकी छवि पर असर नहीं हुआ। छवि पर असर तो पड़ा है, लेकिन अब जब सीधा सीधा संबंध दिख रहा है, एक तरफ एक आंकड़ा है सर्वे का हमारा जो ये कहता है कि लोग कहते हैं कि भाई ये पार्टी अब वैसी पार्टी नहीं है जैसी पार्टी हम इसे समझते थे, और दूसरा आंकड़ा आप पेश कर रही हैं, आप क्या चुनाव आयोग के चुनाव के नतीजे हैं कि जितने लोगों को बीजेपी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो दूसरी पार्टी से आए, जिनकी छवि अच्छी नहीं थी या अच्छी भी थी, उनमें से ज्यादा लोग हार गए। तो हम दोनों को रिलेट करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की जो छवि में नुकसान हुआ है, उससे सीटों का भी नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा। तो विजय जी, सबसे अंत में